महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये एक धार्मिक ग्रंथ भी है। वैसे तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है, परंतु ये कहा जाता है कि गणेश जी ने इसे लिखा था। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को सामान्य जन अर्थात साधारण लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह अत्यंत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा का वैसा लिख दे जैसा कि वो बोलते जाए। इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने पर वेद व्यास श्री गणेश के पास पहुँचे। गणेश जी को बुद्धि का स्वामी, विद्या का सुखदाता एवं दुखों को हरने वाला कहा गया है। गणेश जी के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। महाभारत लेखन के संदर्भ में अत्यंत रोचक कथा है। आज हम यही कथा जानेंगे उससे पूर्व। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वेद व्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना प्रारंभ करने जा रहे थे, तब अपने महाकाव्य के लिए वे एक ऐसा लेखक चाहते थे जो उनके विचारों की गति के बीच में बाधा ना करे। इस क्रम में उन्हें गणेश की याद आई और उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी ने उनकी बात तो मान ली, परंतु साथ ही एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि महर्षि वेदव्यास एक क्षण के लिए भी कथा वचन में विश्राम नहीं लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वही लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पूर्व उन्हें उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास ने अत्यंत अधिक गति से बोलना प्रारंभ किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार ना मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को भी कम समझ रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वही ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एक दंत दिया। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के पश्चात समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वही महर्षि ने भी शर्त पूरी की।
महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती तो वे कोई अत्यंत कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे, इसीलिए जितना समय गणेश जी उस अंतरे को समझने में लेते उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते। व्यास पोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यह महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखित रूप दिया था। जहां ये कथा लिखी गई थी वो गुफा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। इस प्रकार महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को लिखित रूप भगवान गणेश ने दिया था, ऐसा कहा जाता है। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय श्री कृष्ण।